तो आज हम लोग शुरू करेंगे सारणिक डिटरमिनेंट्स। देखिए हम लोगों ने क्या शुरू कर लिया, हम लोगों ने आव्यूह पढ़ लिया है ना, और आव्यूह के मान को ही हम लोग दिखाएंगे कैसे, सारणिक से। हम लोग आव्यूह पढ़े हैं ना, आव्यूह को कैसे लिखे थे थोड़ा ध्यान देना इधर। हम लोग आव्यूह को लिखे थे ना ए इक्वल टू, कुछ आव्यूह दे देते हैं, तो आव्यूह मान लीजिए कि 1, 2, 0, 3 इस तरह से एक आव्यूह हो गया। तो इस आव्यूह का अगर हम मान निकालते हैं ना, मान इस आव्यूह का कितना मान होगा, वही मान क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। आव्यूह का अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, सारणिक की सहायता से। तो एक तरह से देखें तो इस आव्यूह का ही मान निकालने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, सारणिक। तो इस आव्यूह का मान निकालने के लिए जब हम सारणिक बनाते हैं ना, तो सारणिक को क्या कर, आव्यूह का जो ये आपका जो संख्याएं जो भी अंक है इसको क्या करते हैं कि हम दो समांतर रेखा में लिखते हैं। इसमें देखिए ये मुड़ा हुआ है, देख रहे हैं इसमें मुड़ा हुआ, इसमें मुड़ा हुआ नहीं रहता, लेकिन मान नहीं पढ़ते हैं इसको, इसको सारणिक पढ़ते हैं। सारणिक 1, 2, 0, 3 ये हो गया आपका ए, देख रहे दोनों में डिफरेंस, यही आव्यूह है और ये क्या है। तो हम पूछे कि आव्यूह और सारणिक में तब अंतर क्या है, तो ये आव्यूह का मान होता है सारणिक। आव्यूह का मान क्या होता है, मान लीजिए ये आव्यूह है तो कोई पूछ सकता है कि इसका मान बताइए कितना होगा, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, सारणिक बनाना पड़ेगा। तो केवल इस जो टेढ़ा है ना इसका सिंबल, वो टेढ़ा को क्या कर देंगे, इसे मिटा करके सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये सिंबल है, ये सारणिक का चिन्ह है और ये किसका चिन्ह है, आव्यूह का। ये बताइए जो आव्यूह है ये किस कोटि का है, 2/2 का। सारणिक आपका किस कोटि का है, तो सारणिक में एक और विशेषता होता है कि सारणिक में स्तंभ और पंक्ति हमेशा बराबर होते हैं। एक तरह से कहें तो सारणिक जो है ना वर्ग आव्यूह का बनता है, या तो 2/2 का बनेगा, नहीं तो 3/3 का बनेगा, नहीं तो 4/4 का बनेगा। अब आव्यूह तो हम लोग जानते हैं कि 3/2 का भी बन सकता है, लेकिन सारणिक 3/2 का नहीं बनेगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारणिक क्या है, तो सारणिक वर्ग आव्यूह का मान है, और वर्ग आव्यूह होगा तो 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, लेकिन क्या सारणिक 3/2 का होगा, नहीं होगा। तो ये सारणिक हो गया। सारणिक क्या है, तो वास्तव में आव्यूह का मान है। दूसरा चीज, अगर इस मान को हमको वास्तव में निकालना है तो हम इसको लिखते हैं इस तरह से, लेकिन माडे नहीं पढ़ते हैं, सारणिक ए पढ़ेंगे, नहीं तो इंग्लिश में पढ़ दीजिए डिटर्मिनेंट्स ए, डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए निकालना होता है, तो हम इसको यहाँ से हल करके निकालेंगे। अब सारणी का प्रसार कैसे करेंगे, कैसे मान निकालेंगे, हम लोग सीखेंगे इसमें। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आव्यूह का मान ही क्या कहलाता है, सारणिक। एलिमेंट इसी के जैसे होते हैं, सिंबल में थोड़ा सा जो प्रतीक है उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, सारणिक में ये थोड़ा सा घुमावदार बड़ा कोष्ठक जैसा रहता है। सारणिक में कैसा रहेगा, बड़ा कोष्ठक जैसा, ये रहता है माड जैसा, लेकिन माड नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको माड ए नहीं पढ़ेंगे, सारणिक ए पढ़ेंगे या डिटर्मिनेंट्स ए पढ़ेंगे। तो ये आपका हुआ सारणिक और ये हो गया आव्यूह। वहां पर पूछने वाला है, उसमें रुमाल लेते होगे, ये नहीं उस क्लास में है। तो ये आव्यूह और ये क्या हो गया, सारणिक। अब हम बात करते हैं कि इसका मान कैसे निकालेंगे। तो सारणिक देखिए, सारणिक का जो प्रसार होता है ना, प्रसार मतलब उसका मान निकालना, जिसको हम लोग माड ए जैसा दिख रहा है, ये माड ए नहीं डिटर्मिनेंट्स ए है। डिटर्मिनेंट्स ए का मान कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए अगर 2/2 का है, ध्यान देना, अगर सारणिक 2/2 का है तो इसको तिर्यक गुणा करके पहले ही गुणा करते हैं, तीन एक है, आप 2 में 0 से गुणा करेंगे तो घटा देंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3। तो डिटर्मिनेंट्स ए का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया, यही तो उत्तर होगा इसका। तीन होगा तो हम लोग प्रसार करेंगे, फिलहाल अभी 2 का हम केवल बता रहे हैं, 2 का होगा तो प्रसार इस तरह से होगा, तिर्यक गुणा करके क्या कर देंगे, घटा देंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, लेकिन तिर्यक गुणा में ये वाला पहले गुणा होगा, ये वाला गुणा पहले होगा और तब ये वाला गुणा होगा। तो इसको पहले गुणा करके, अरे तुम लोग उसमें 10 में पढ़े थे, वज्रगुणन विधि पढ़ रहे थे ना, तो वज्रगुणन विधि में ऐसा नहीं आ रहा था, ऐसे तिर्यक गुणा करके घटा देते थे, तो ही क्या होता, सारणिक का वो मान हो जाता था। तो सारणिक वास्तव में ना आव्यूह का ही लेसन है। सारणिक क्या है,
आव्यूह का ही लेसन है, और इस सारणिक वाले लेसन में ना हम लोग आव्यूह भी पढ़ेंगे। जैसे ही आधा लेसन आगे जाएंगे ना, आधा पढ़ लेंगे, तब आव्यूह आने लगेगा। और वहाँ पर हम लोग ए इनवर्स निकाले थे ना पिछले वाला में, सारणिक में भी हम ए इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि वास्तव में सारणिक है क्या, आव्यूह ही है, उसी का नाम सारणिक है। तो यहाँ भी हम ए इनवर्स निकालेंगे, लेकिन अब जो ए इनवर्स निकालने का तरीका रहेगा वो अलग रहेगा। अब हम C1, C2, R1, R2 लेकर नहीं चलेंगे, ये अलग तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। निकाल सकते हैं ए इनवर्स तो निकालने का एक तरीका पढ़ लिया है ना, एक तरीका और पढ़ेंगे, दो तरीका। और परीक्षा में अगर नाम नहीं रखता है कि किस तरीके से निकालना है, तो तुम लोग की जो मर्जी किसे भी निकाल सकते हो। आ कह दिया कि प्रारंभिक विधि का उपयोग कीजिए, तब तो उस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर प्रारंभिक विधि नहीं कहता है तो जो सेकंड वाला मेथड है उसे निकाल देंगे। तो इस आव्यूह के मान को हम क्या कह रहे हैं, सारणिक कह रहे हैं। और सारणिक वास्तव में जो है क्या है, तो सारणिक क्या है, तो वर्ग आव्यूह होता है, 2x2, 3x3 या 4x4। अब इसमें दे रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगर दो सारणिक आपके बराबर हैं, ध्यान दीजिएगा, दो सारणिक बराबर हैं, जैसे इस तरह से xy 2 3 3 4 2 3, तो सेम चीज है। जिस तरह आव्यूह बराबर था तो पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, उसी तरह सारणिक बराबर होगा तो पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर हो जाएगा। बाकी कुछ है नहीं, बाकी है सारणिक का मान याद करना। तो हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं पहला वाला, और जिस तरह से आएगा उस तरह से हम सवाल बनाते चलेंगे। फिलहाल अभी आप यही ध्यान रखेंगे कि सारणिक का जो हम लोग माड ए जैसा दिख रहा है ना, वो माड नहीं है, उसको डिटर्मिनेंट्स ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 4.1 जो है, प्रश्नावली 4.1, तो प्रश्नावली 4.1 में कह रहा है ना कि प्रश्न 1 से 2 तक के सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं, मान कह रहा है 1 से 2 तक। तो 1 में एक ही प्रश्न है, 2 में कितने प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं। तो आप पहला देखिए, पहला में क्या कह रहा है, इसको ए मान लें, ए मान लेते हैं, ए क्या दिक्कत है, ए मान लीजिए। तो 2 4 2 4 -5 -1, देखिए आव्यूह अगर आप पढ़ लिया ना, तो सारणिक में ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से चलता जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए निकालना है, माड ए नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए बताया है ना कि 2x2 का तिरयोग गुणा कर देंगे तो 2 एकन है 2 -2। ध्यान देना, एक घटाव का चिन्ह होता है, आप 5 चौके -20 होगा ना, तो -20 देखिए, एक घटा पहले लिख देते हैं, 2 एकन -2 हो गया, आप 5 चौके -20, एक घटाव का चिन्ह होता है, तो -2 आप प्लस 20 हो जाएगा। अब -2 और प्लस 20 तो ये +18 होता है, हो गया उत्तर हम लोग का, मान कितना आ गया 18। बना सकते हैं इस तरह से। इसका दूसरा वाला देखिएगा, दूसरा का फर्स्ट कितना दे रहा है, इसको भी ए मान लें, मान सकते हैं, ये नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं। cos θ - sin θ, cos θ - sin θ, फिर sin θ - cos θ, देखिए आप भी बन रहा है, तिरय गुणा कीजिए, डिटर्मिनेंट ए cos²θ, तिरय गुणा पहले यही वाला गुणा करना होता है, और तब एक माइनस आ sin θ - sin θ - sin²θ, तो एक माइनस पहले से है, एक माइनस इनका प्लस sin²θ, ये रिजल्ट आ गया कितना 1 हो जाएगा। इसका दूसरा का दूसरा बन जाएगा, तिरय गुणा करना है, तिरय गुणा कर घटा देंगे, हो जाएगा, कटने वाला तो घटा देना, जो बचेगा वो हम लोग को उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मिटा दे इसको ना, बहुत खतरनाक नहीं है। अभी अगर आप ध्यान पूर्वक समझ रहे हैं तो सारणिक में उतना दिक्कत नहीं होगा। नहीं, तुम थोड़ा ध्यान पूर्वक बनाओ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, गुंजन आज नहीं आया ना, ये देखो ये गायब होगा उससे, देखिए अब तीसरा में देखिए क्या लिखा है। तीसरा में कह रहा है कि a इक्वल टू, देखिए आव्यूह दिया हुआ है, ध्यान से देखो,
ए इक्वल टू क्या दे रहा है, अव्यूह दे रहा है, 1 2 4 2 1 2 4 2 दे दिया। आ कहा है कि दिखाइए, मैंने सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट 2a बराबर 4 डिटर्मिनेंट a। हम अभी कहे हैं कि जो सारणिक होता है ना वो वास्तव में अव्यूह का मान होता है। अगर ए अव्यूह दे रहा है ना, आप पूछ दे कि डिटर्मिनेंट ए बताइए, तो इसको सारणिक बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। आइए इस तरह से बन जाएगा 1 2 4 2। अब तब इसको क्या कर देंगे, हल करेंगे तो तिरे गुणा करेंगे ना, तो जानते हैं इसको कैसे बनाना है। कह रहा है कि पहले ये बताइए, हमको दिखाना है कि जो 2a का डिटर्मिनेंट है ना वो 4 डिटर्मिनेंट a के क्या है, बराबर है। तो पहले तो हमको 2a बनाना पड़ेगा, तब ना उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 2a बनाइए ना, तो 2a तो हम लोग पहले पिछले लेसन में जानते हैं कितना हो जाएगा, बता दो तो। 2 1 2 2 2 4 2 4 फिर 2 2 4 ये तो बन गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2a, तो सारणिक लिखेंगे। अब तब तिरे गुणा करेंगे ना, तो कम हो तो तिरे के ना गुणा करना हमारा है, यही से गुणा कर दे क्या एक ही बार, समझ जाएंगे ना। 4 2 8 माइनस पहले ही गुणा करते हैं, 8 4 32 आठ में से 32 गया तो 24 माइनस का 24, तो ये 2a का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, माइनस का 24। अब देखते हैं कि 4 डिटर्मिनेंट a कितना आता है, तो हम पहले यहाँ पर निकालेंगे डिटर्मिनेंट a, और तब ने 4 से गुणा कराएंगे। डिटर्मिनेंट a कितना आएगा, गुणा कीजिए, है ना होगा 2 1 2 आ 4 2 तो 2 - 8 होगा, डिटर्मिनेंट a कितना आ गया, -6। आप 4 डिटर्मिनेंट a कर देंगे तो 4 से गुणा हो जाएगा, 4 6 -6 और गुणे क्या हो गया 4 - 24, देखिएगा बराबर आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट 2a है वास्तव में 4 डिटर्मिनेंट a के क्या है, बराबर है। कुछ समझ में आ रहा है, अगर अव्यूह है आ जब इसका मान ज्ञात करना होगा तो ही क्या बन जाएगा, सारणिक बन जाएगा। आ 2/2 का होगा तो हम क्या कर देंगे, तिरे गुणा करेंगे, ठीक है, आ गुणा करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए बढ़िया है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देखते हैं। ए इक्वल टू कितना दे रहा है, 101। देखिएगा ये भी अव्यूह दे रहा है ना जी, तो आप ये नहीं समझे कि सारणी अलग है अव्यूह अलग है, वही चीज है। 101 0 1 2 0 0 4 देख रहे हैं, क्या कहा है, कह रहा है कि हो तो दिखाइए डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ए। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको तो सबसे पहले 3a निकालना पड़ेगा, वैसे डिटर्मिनेंट ए भी निकाल सकते हैं, पहले इसी को निकालते हैं, पहले ये जो ए अभी दिया है ना इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कि सीख लीजिए कि निकालते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं। अच्छा जो आपका अगला वाला क्वेश्चन है ना 5, 4 क्वेश्चन दिया इसमें ना, तो वो यही दिया है, यही पूछा है, कह रहा है कि उसका मान ज्ञात कीजिए, मान मतलब उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात कीजिए, तो यह दिया है यह ज्ञात करना है। अच्छा चौथा में भी सेम क्वेश्चन है, यह दिया है, एक बार यह निकालेंगे एक बार यह निकालेंगे, देख लेंगे दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए हम दो काम करते हैं। क्या काम करते हैं, या तो आप इसके पंक्ति से प्रसार करके बनाइए, आ नहीं तो स्तंभ से प्रसार करके बनाइए। अभी कोई जरूरी नहीं है कि पहले पंक्ति होगा, तुमको मन करे तुम दूसरका पंक्ति से प्रसार करो, मन करे तो तीसरका से प्रसार करो, मन करे तो पहले स्तंभ से, मन करे दूसरे स्तंभ से, मन करे तो तीसरे स्तंभ से, जिससे मन करे उससे प्रसार करो। लेकिन हम क्या करते हैं, या जनरली हम क्या सभी लोग यही करते हैं, कि जिस पंक्ति या स्तंभ में 0 ज़्यादा होता है ना उसी से प्रसार करते हैं, आसान हो जाता है। तो किस में 0 दिख रहे हैं, स्तंभ में 2 0 है ना, इसमें भी 2 0 है, तो इसी से आप पंक्ति से लेंगे तो इधर नीचे 2 0 है ना, तो जिस पंक्ति में स्तंभ में या स्तंभ में 0 की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ से प्रसार करना क्या होता है, आसान हो जाता है।
तो किससे करें, पहले कैसे कर दें, पहले पंक्ति से कर देते हैं। तो जब इसे प्रसार करेंगे ना पहले स्तंभ से, तो पहले स्तंभ का पहले एलिमेंट वन लिख देते हैं, क्या करते हैं वन लिख देंगे। और वन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि यह वन जिस पंक्ति में होगा वह पंक्ति और जिस स्तंभ में होगा वह स्तंभ उसको ढक देंगे। वन इस पंक्ति में ढका गया, इस स्तंभ में ढका, क्या दिख रहा है, 1204 ना, सारणिक बनाइए 1204, कोई दिक्कत हो गया। अच्छा अगला वाला पॉजिटिव लिया है ना, इसका आगे वाला निगेटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। अच्छा अगर ये निगेटिव में ऑलरेडी है ना तो यह प्लस हो जाएगा, बस समझ में आ रहा है, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव फिर तीसरा पॉजिटिव, इस तरह से होता है। अब देखिए अब यह ना है जीरो लिख दीजिए, ठीक। अब जीरो है तो इसका पंक्ति आईसी का स्तंभ ढकिए, तो स्तंभ ढक गया आई पंक्ति ढक गया, क्या दिख रहा है 0104 दिख रहा है ना, लिखिए 0104, कोई दिक्कत इसमें। तीसरा वाला फिर प्लस में लिखेंगे प्लस जीरो, ये ढकाएगा ये ढक जाएगा 0112 0112। अभी बताए हैं 2x2 का कैसे प्रसार करते हैं, अभी बताए हैं वन चार कने माइनस जीरो, समझाया। ये बताइए ये अंदर वह गुणा करके कुछ हो लिया दे, बारह तो जीरो से उन्हें गुणा करना है, जीरो जीरो, इसीलिए कह रहे जीरो वाला आसान होता है, तभी तो छूट गया ना उधर। आ चार में से जीरो गया तो चार, चार में जीरो गया तो चार, आ चार कने ये आ गया कितना डिटर्मिनेंट आ गया आपका चार, कुछ समझ में आया। यही काम एकदम पांचवे में करना है, जो पांचवा क्वेश्चन चार को देख रहे हैं ना उसमें सब ये दिया है, ऐसे निकाल देना है डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल देना है, हो जाएगा पांचवा। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए आपका निकल गया ना, तो जब ए निकल गया, नहीं डिटर्मिनेंट ए निकला है, डिटर्मिनेंट थ्री ए नहीं निकला है, डिटर्मिनेंट ए निकला है। अब निकालेंगे डिटर्मिनेंट थ्री ए, तो पहले राइट हैंड साइड को ले लिए हैं तो उसी को लिख लेते हैं, तो ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 27 डिटर्मिनेंट ए है ना, तो 27 डिटर्मिनेंट ए कितना आया है, चार आया है, तो चार से गुणा करा दीजिए 108, ये आपका निकल गया राइट हैंड साइड। अब निकालना पड़ेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमको चाहिए पहले थ्री ए, थ्री चाहिए ना, चूंकि थ्री ए, थ्री ए कैसे निकालेंगे बताइए, जो ए है उसी में थ्री से गुणा कर देंगे, तो ये तो हम पहले से काम करना जानते हैं, तो थ्री से गुणा करेंगे तो तीन कन है, तीन जीरो तीन, ऐसे होगा तीन जीरो तीन, जीरो तीन छ हो जाएगा, जीरो तीन छ हो जाएगा, जीरो जीरो बारह, तीन से गुणा कर रहे हैं सब में, जीरो जीरो बारह, फिर वही कम कर दें डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट थ्री अब निकालेंगे ना, वही काम करेंगे, पहला स्तंभ से निकालते हैं, पहला स्तंभ से निकालें, तो पहला स्तंभ से निकालेंगे तो पहला स्तंभ का पहला एलिमेंट लिखाएगा मार्ड, मार्ड नहीं डिटर्मिनेंट बनाएंगे इस तरह से, इसको ढकेंगे तो तीन छ जीरो, अच्छा अब आ गया जीरो व जीरो, तो जीरो व प्लस जीरो, उधर तो सब जीरो हो जाएगा ना, तो डिटर्मिनेंट थ्री ए का मान कितना आया, तीन बारह तिहाई, अरे पहले ये ना गुणा करते हैं, बारह तिहाई आ छत्तीस माइनस, अरे छ जीरो गुणे छ जीरो ना होगा, आ छत्तीस माइनस जीरो तो छत्तीस हो गया, आ तीन गुणे छत्तीस कितना 100, देखिएगा बराबर आ गया क्या, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि डिटर्मिनेंट थ्री ए का मान किसका आ गया 27, डिटर्मिनेंट ए के बराबर आ गया, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे देखिए कितना छोटा हो गया, लेकिन ये तीसरका लेके बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हाई नहीं आता, ये तभी आता, तभी आपका इसका मान 108 ही आता, लेकिन थोड़ा सा एक दो लाइन क्या होता बढ़ जाता। पांचवा में देखिए, पांचवा में कौन देखें, तीसरा नंबर देख लो चाहे दूसरा देख लो,
पांचवा में दूसरा, पांचवा में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो सारणिक को क्या मान ले, ए मान ले, ए मान लेते हैं, थ्री माइनस फोर फाइव, थ्री माइनस फोर फाइव, वन वन माइनस टू, टू थ्री वन, देखिए थ्री बाई थ्री का है ना, इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, तरीका क्या बताया है, पंक्ति चाहे स्तंभ किसी को लेकर चलिए, पंक्ति लेके चले कि स्तंभ लेके चले, ये स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गया, स्तंभ लेके चलते हैं, हाँ पंक्ति लेके चले, चलो भाई तो कौन पंक्ति बताओ, ऊपर वाला, बीच वाला, हाँ सबसे यूनिक बीच वाला, ठीक है चलो बीच वाला, था बीच वाला लेके चलते हैं। तो बीच वाले पंक्ति का पहला एलिमेंट वन, यही ना है लिखा गया, पॉजिटिव लिखे हैं, प्लस है प्लस में लिखे हैं। तो इस पंक्ति पहला, दूसरा पंक्ति लेके चल रहे हैं, दूसरे पंक्ति का जो पहला एलिमेंट है वो तो लिखा गया, अब इस वन वन जिस पंक्ति में है वो पंक्ति ढका जाएगा, जिस स्तंभ में है वो स्तंभ ढका जाएगा, इस तरह से क्या बच रहा है, माइनस फोर फाइव थ्री वन बच रहा है ना, लिख दीजिए माइनस फोर फाइव थ्री वन, ये ठीक है। सेकंड वाला में अब ये इसी पंक्ति को लेकर चल रहे हैं, दूसरा एलिमेंट लिखिए माइनस वन, पहला प्लस दूसरा माइनस होता है, फिर ऐसे बनाएंगे, अब यह जिस पंक्ति में है वो पंक्ति ढकाएगा, जिस स्तंभ में है वो स्तंभ ढका जाएगा, ढका जाएगा तो थ्री फाइव टू वन बचेगा ना, थ्री फाइव टू वन। अब लास्ट वाला प्लस तो होना चाहिए, प्लस टू होना चाहिए ना, प्लस में लेते हैं, लेकिन ये खुद ही माइनस में है तो माइनस में ले लिया जाएगा, समझा रहा है चिन्ह के हिसाब से। अब इसमें है तो ये पंक्ति ढका गया, स्तंभ रखा गया, थ्री माइनस फोर टू थ्री, थ्री माइनस फोर टू थ्री, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए वन से गुणा कीजिए, चार एक है माइनस चार, और तीन पचे माइनस पंद्रह होगा ना, फिर माइनस वन, तीन एक है अब माइनस पांच दूना दस, माइनस टू, तीन त्रिके हमेशा गुणा पहले इसको करेंगे, तीन त्रिके नौ, आ दो चौके माइनस आठ होना चाहिए ना, लेकिन जब प्लस आठ हो जाए क्योंकि एक माइनस खुद इसमें होता है, माइनस चार माइनस पंद्रह माइनस उन्नीस, अब माइनस उन्नीस में एक से गुणा करेंगे तो माइनस उन्नीस रह जाएगा, तीन में से दस गया तो माइनस सात, माइनस सात आएगा गुणा करेगा तो प्लस सात हो जाएगा, हो जाएगा जी, नौ आठ सत्रह, आ सत्रह दूना माइनस चौंतीस होगा ना, और माइनस वाले एक पास जोड़ दिया जाए तो प्लस सात को आगे लिख देते हैं, ठीक है। माइनस उन्नीस से माइनस चौतीस तिरपन, माइनस तिरपन न होगा, और सात में तिरपन घटेगा तो छियालीस, माइनस का छियालीस, ये हो गया हम लोग का उत्तर। अब एक चीज बता देते हैं तुम लोगों को, सुनो ध्यान से, चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, जो हम यहाँ पर जब ढक रहे हैं ना, जैसे जब वन ढके हैं तो वन के लिए इस पंक्ति को ढक दिया गया, स्तंभ को ढक दिया गया ना, अब जो दिख रहा है ना डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, चार एक है माइनस चार, आ पांच ते माइनस पंद्रह, अगर ऐसा संभव है तो कर लो आराम से, इसको तो आप छोटा कर ही सकते हैं आराम से, तो अगर जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो भी छोटा होने लगेगा, तो इसको लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, अगर प्रैक्टिस में है ढंग आ रहा है तो आराम से, जब ढक रहा है ना उसी समय जो दिख रहा है उसका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, सीधे यहाँ पर पहुंच जाइए, समझा, रख देना पाई में ही छोड़ देना, पाई में पहला स्तंभ से प्रसार कर देना, हाई लद्दू वैसे ही जीरो हो जाएगा नया, तो पाई में ही रखना, नहीं तो देखना अब सिचुएशन के हिसाब से बना देना अपने, जैसे छोड़ देना पूरा खत्म माना जाए तो 4.1 हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया, इसको बना देना और कल हम लोग पढ़ेंगे 4.2।